वर्ल्ड का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 हमारा है चांद का कुर्ता। इस कविता, ये कविता है आपकी, इस कविता में क्या है, चांद की, चांद क्या है, एक साइज तो है नहीं चांद का, छोटा बड़ा 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 फिर बड़ा गोल हो जाता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि चांद अपना कुर्ता सिलवाना चाहता है। तो इसके लिए आपको एक मनोरंजन है, इसमें कविता बताई हुई है, वो पढ़ेंगे। देखो, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। देखो, हटकर यानी जिद करके बैठ गया चांद, कौन बैठ गया, चांद जिद करके बैठ गया। एक दिन माता से बोला, अपनी जो माँ है उससे बोलता है, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक, सॉरी, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। अब झिंगोला क्या होता है, कुर्ता, कपड़ा होता है ना, कुर्ता होता है पहनने वाला वो। तो देखो, चांद एक दिन जिद करके बैठ जाता है, बोलता है अपनी माँ से कि माँ मुझे सिलवा दो ऊन का, ऊन का एक मोटा कुर्ता सिलवा दो। आगे देखो, सन सन चलती हवा रात भर जागे में मरता हूँ। सन सन यानी कि बहुत तेज हवा चलती है रात भर, सारी रात क्या है, हवा चलती रहती है, और जागे यानी सर्दी में मरता हूँ, उसे क्या है, सर्दी लगती है चांद को। चांद बोलता है कि मुझे उनका मोटा कपड़ा सिलवा दो, क्योंकि सारी रात हवा चलती है और मैं क्या है, सर्दी मर जाता हूँ, मतलब सर्दी लगती है मेरे को। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। देखो, ठिठुर ठिठुर कर कांपते हुए, सर्दी में क्या कांपना होता है ना, तो वो कांपते कांपते क्या है, सारी रात की जो यात्रा है उसकी वो पूरी करता है, यानी कि चक्कर लगाता है ना, तो वो सारी रात में वो क्या है, सर्दी लगती रहती है उसको, और वो ठिठुर ठिठुर कर कांपते कांपते सारी रात की यात्रा पूरी करता है। अब आगे देखो, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। अब देखो, वो चांद बोलता है कि मेरे को एक कुर्ता सिलवा दो, तो उसकी बात सुनकर, बच्चे की बात सुनकर माता बोलती है, इनकी चांद की माँ बोलती है कि अरे सलोने, सलोने की किसको बोला जाता है, मैं प्यारा बच्चा होता है, सुंदर होता है, उसके लिए बोला गया है सलोने, उसका नाम ये है चांद का, कुशल करे भगवान, भगवान सब ठीक करे, लगे मत तुझको जादू टोने। भाई भगवान सब कुछ ठीक करे कि तेरे को कोई नजर ना लगा दे, या तू इससे बच के रहे, भगवान ठीक करे ये सब कुछ। जाने की बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। तब देखो, जाने की बात तो ठीक है कि तेरे को सर्दी लगती है, ठीक है, उसकी माता बोलती है कि ये बात तो ठीक है कि तेरे को सर्दी लगती है, पर मैं एक और चीज़ है जिससे डरती हूँ, वो क्या है, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। जब जो तेरा नाप है वो क्या, कभी घटता बढ़ता रहता है ना, चांद तो कभी छोटा कभी छोटा छोटा फिर बढ़ जाता है, गोल हो जाता है, ऐसे क्या है, घटता बढ़ता रहता है। तो वो क्या बोलते हैं, तेरा एक नाप तो है नहीं, एक नाप को तो कमीज बनवाए, अभी कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, तो इससे मेरे को क्या है, डर लगता है। आगे है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब क्या है, ये चांद क्या है, घटता बढ़ता रहता है, उसकी माँ मतलब बोल रही है ये बात कि घटता बढ़ता रहता है हर रोज, और ऐसा भी मतलब सारा दिन क्या करता है, तो कभी घटता है कभी बढ़ता है, और नहीं किसी की आंखों के, यानी कि तेरी जो घटना बढ़ना है वो किसी की, किसी को दिखलाई भी नहीं पड़ता, मतलब किसी को पता नहीं चलता कि आज तो इतना घट गया, आज तो इतना बढ़ गया है। अब तू ही बता, चांद से बोल रहे कि तू ही बता, नाप तेरी किस रोज लिवाई, अब तेरा कौन सा नाप ले, कौन से दिन तेरा नाप ले, सीधे एक झिंगोला जो तेरा एक कमीज सिल दे, कि तेरा तेरे लिए कुर्ता बना दे जो हर रोज बदलने आए। अब माता बोल रही है, चांद की माँ भी, तू ही बता कि तेरा कौन से दिन नाप लिया जाए जिससे क्या है, तेरे लिए कुर्ता बना दिया जाए और वो हर रोज तेरे बदन में आए। तो ये आपकी क्या थी, पूरी पोयम थी चांद का कुर्ता, ठीक है। चांद ने अपने लिए क्या है, हट की थी, जिद की थी कि उसके लिए क्या है, एक कुर्ता बनाना है, और किससे बोल रहा था, वो अपनी माँ से बोल रहा था। अब इसके राइटर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, इस कविता को इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, और इसकी जो एक, इसको एक बार बुक में, सॉरी नोटबुक में भी लिख लेना इसको।